क्या इसका नाखून 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 ऐसे नहीं दिखाता है, नाखून के लिए आपको उसका कीमत चुकाना होगा। सस्पेंशन ब्रिज का मजा लेने के बाद हम आपको ले चलते हैं जू सफारी में, जहां पर आपको तरह तरह के जानवर का मजा मिलेगा। तो चलिए दोस्तों जू सफारी में। अब हम लोग जा रहे हैं जू सफारी के लिए। ये सारे लोग जू सफारी के लिए तैनात हैं, मगर पंकज जी आज जू सफारी में एक चीज गड़बड़ किया है। पंकज भैया देखा तो कोई, अब ये हम यूट्यूब पे नहीं बताएंगे। पांच गो तू लोग तो अपने था, पांच गो टिकट देखा बेटा। ये है सफारी प्लाजा एंट्रेंस। किसी को बाथरूम जाना हो, पानी पीना हो तो पी लीजिएगा। सफर के दौरान गाड़ी से बाहर नहीं निकलने दे जाएंगे। कितना वेट करना है? 1 घंटा 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। कुछ खाना पीने का अंदर में कैंटीन है। चल चल चल। अच्छा ये ओरिएंटेशन रूम है, अभी विन्यास कक्ष। ये रेस्ट रूम है, अभी हम लोग की बस आएगी तो फिर हम लोग जाएंगे। देखिए ये भर भर के स्प्राइट अपने बैग में ठूस रहे हैं, लगता है इसे मुफ्त में मिला हो। हाँ भैया मांगने का चंदन घस रघुनंदन, घसते रहिए। और यहाँ फिर से एक बार टिकट का चेकिंग प्रारंभ हो चुका है। ये हमारी बस है और बस में सारे लोग बैठ गए हैं, हमारे सीट का भी इंतज़ार हो रहा है। और इस बस में कैमरा भी लगा हुआ, देख लीजिए। ये हमारे गाइड लगता आ रहे हैं। गाइड जी, यही गाइड है, आप ही गाइड है ना? हमारे गाइड आप ही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं बोल रहा। गजब बेइज्जती है। अरे भाई कम से कम पूछते तो बता तो दिया करो कि गाइड हो कि नहीं है। दिल से बुरा लगता है भाई। और ड्राइवर है, ड्राइवर साहब जी बोलिए। आप पूछ रहे हैं कि गाइड हैं तो कुछ बोलिए ना, हमको लगा खलासी हैं। फिर हम देखे कि आप ड्राइवर सीट पे आ गए। आप आज के ड्राइवर हमारे हैं और ये हमारे गाइड है। गाइड है ना आप? जी सर। हमारे गाइड का स्वागत है और गाइड से हम बहुत कुछ जानेंगे और सीखेंगे। आप पहले अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिंस राजेश है। हाँ, यहाँ का गाइड हूँ जू सफारी का। और हमारी गाड़ी खुल गई है। गुड आफ्टरनून सर, यहाँ से जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये सफ़र हमारा 1 घंटा से ऊपर और 1 घंटा 20 मिनट से कम का होने वाला है। उतने के बीच में कभी भी हम लोग बस से उतरेंगे। फिर टोटल 5 तरह के जानवर हमारे पास है, पाँचों को अलग अलग जोन में रखा गया है और सबको अलग अलग सर्कल करके बाउंड्री करके अलग अलग जंगल में सेफ करके रख दिया गया है, ताकि एक दूसरे से इनका आमना सामना ना हो, एक दूसरे को मार के रखा जाए। ऐसे में खाना इनको हम लोग अपनी तरफ से देते हैं, इसलिए इसका नाम जू सफारी है। जंगली जानवर है, जंगल में भी है, लेकिन सारा हैबिटेट इनका जू वाला रख दिया गया है। ये हमारा हिरण का जंगल था, हर्बीवोर सफारी। ये सबसे आखिरी में घूमने आएंगे हम लोग, इसके अंदर जाएंगे तो हमें हिरण देखने को मिलेंगे, सबसे आखिरी में आएंगे इसमें। इसके बाद भालू का जंगल, तेंदुआ, बाघ और शेर है हमारे पास। शुरुआत तेंदुआ वाले जंगल से करने वाले हैं, लेपर्ड सफारी से। क्यों? क्योंकि पिछला ट्रिप मैंने लगाया, पिछले ट्रिप में हमें तेंदुआ नज़र आ गया है। थोड़ा सा देरी कर दे तो तेंदुआ वहाँ से भाग जाएगा, तो आपको शायद वो देखने को ना मिले। वो सबसे मुश्किल से नज़र आ गया, अगर वो दिख जाए तो सबसे लकी मोमेंट होगा। उसके बाद बाघ, शेर, फिर आएंगे लौटते हुए तो भालू, और फिर आखिरी में हिरण का जंगल घूमेंगे हम लोग। यहाँ पे अभी ये जू सफारी 1 साल पहले शुरू हुई है, तो जानवर की संख्या अभी कम है। ऊपर से ये समय थोड़ा बुरा है, दोपहर का टाइम, सारे जानवर लेजी मोड में गए हुए होंगे, उनको ढूंढना पड़ेगा। हम आपके साथ हैं, जितना हो सके पूरा हेल्प करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि शायद हम लोग को जानवर नहीं भी नजर आए, शायद, कोई गारंटी नहीं है इसकी। सबसे ज़्यादा मुश्किल होने वाला है भालू को ढूंढने में, ठीक है, उसको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। यहाँ इस सफारी का अपना एक नियम है, अपना एक कानून है, उसका थोड़ा सा पालन कीजिएगा, जिसमें सबसे ऊपर सबसे ज़रूरी आप लोगों के मोबाइल का फ्लैश लाइट नहीं जलना चाहिए। दूसरा नियम, अगर बस के आसपास कोई जानवर नज़र आ रहा है, सोता हुआ दिखेगा, तो हम कोशिश करेंगे जितना पॉसिबल उतना करीब जा सके, लेकिन आप लोग हल्ला नहीं करेंगे। सो रहा है अपने से उठा करते हैं तो ठीक है, नहीं उठा तो सोते हुए देखते हुए वापस आएंगे। तीसरा नियम, आपका दबाव नहीं पड़ना चाहिए शीशा में। ये शीशा बड़ा सा जो दिख रहा है ना, ये पूरा बाहर क्यों निकल जाता है? ऐसा कुछ हुआ तो फिर आप खतरे में, ऐसा कुछ भी ना करें। देखिए ये 20.5 हेक्टेयर का एक बड़ा सा जंगल है जिसमें तेंदुआ रहता है, ठीक है। ये पूरा जंगल सिर्फ तेंदुआ का है, उसमें 4 लेपर्ड बाहर, 20.5 हेक्टेयर यानी लगभग 1000 से ज़्यादा पेड़, और कौन से 4 पेड़ पे तेंदुआ होगा पता नहीं, तो इतना आसानी से नज़र नहीं आने वाला है।
ऊपर से ये शर्मिला स्वभाव का जानवर, थोड़ा बहुत भी जो रोड के किनारे बैठा होगा बस का साउंड सुनकर और छूट जाएगा। ये दिखने का चांस मात्र 18% रखा गया। पहले आने का रीजन पिछले ट्रिप में नजर आया था, जहाँ पे नजर आया है उस एरिया को अच्छे से एक बार देख लिया जाए तो शायद वही कहीं छुपा हुआ फिर से नजर आ सकता है। तब तक आप लोग बाहर देखते चले, पेड़ के ऊपर विंडो सीट वाले खास करके एक्टिव रहे, विंडो सीट वाले को ये जानवर जल्दी नजर आता है, अच्छे से नजर आता है। ठीक है भाई, विंडो वाले सब इधर रहिए, विंडो वाले पेड़ पे नजर रखें और साइड सीट वाले जमीन पे। इसका कलर डार्क येलो होता है जो इसको छुपने में बहुत ज्यादा मदद करता है, जिसपे काले धब्बे भी होते हैं बहुत सारे। नहीं 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 दिखा तो पैसा वापस तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये गारंटी है कि आप लोग सही सलामत लौट आएंगे। सफारी आपको जानवर दिखाने का पैसा नहीं दिया है, सफारी आपको जंगल घुमाने का पैसा दिया है। उस जंगल में जानवर कम है तो पैसा कम है, बाहर किसी सफारी में जाइएगा तो जहाँ 2,000-2,500 लिया जाता है वहाँ अलग बात, वहाँ भी ऐसे ही जंगल घूमिएगा खाली हाथ लौटाइए। खैर यहाँ खाली हाथ नहीं लौटने देंगे, अगर जंगल वाला जानवर आपको नहीं नजर आए तो दो लेपर्ड अभी नए नए आए हैं, वो पिंजरे में एक जगह रखे हैं। भले ही चिड़ियाघर वाली फीलिंग देगी लेकिन वो वाला लेपर्ड एटलीस्ट हम आपको दिखा देंगे। देखिए उल्टा लेटा हुआ है तो पेट नजर आ रहा है, अच्छा कलर चेंज है। कैट फैमिली वाले हैं, कैट फैमिली को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है और जब भी गर्मी तेज लग रही हो तो ऐसे ही तेजी से सांस लेते हैं। हेलो, इसको खाने में क्या देते हो भैया? सफारी मांस। किसका? इसका जो मिल जाए उसको दे देते हैं। सोचते हैं लेकिन दे नहीं पाते। नहीं मिलतो। वाला लगे ना? देखिए वो शर्मा शर्मिला स्वभाव का जो बोले अंदर छाग रहा है लेकिन आएगा नहीं ऊपर, शर्मा रहा है। देखिए दिख रहा है शर्मा? आप बोलो नहीं। अगर इसका पूंछ जितना लंबा बॉडी होता है उतना ही लंबा पूंछ होगा, 1 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं, 1 सेंटीमीटर लेना। बैठाएंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, सबको बारी बारी से दो दो करके आगे बुला के दिखा देंगे हम ये जानवर, थोड़ा समय दीजिए उसके बाद अब ये चलो चलो क्या होता है। और चटाई है ना, उठेगा नहीं, उठाना ही नहीं है ना, अब क्या बोले ना, हम डिस्टर्ब करेंगे ना आपको करने देंगे। अब सब लोग सीट पे बैठिए, सबको नजर आएगी, सब लोग बैठिए बगल से जाएंगे इधर से। ठीक है, भूखी है, खाना वाना लगता देवे नहीं कर रहे, देख रहे पूरा शरीर सूख गया, चल नहीं पा रहा, आकाश काट रहा है। आज तक जो आप लोग फिल्मों में सुनते आए थे कि एक जंगल में एक ही शेर होता है, वो शेर के लिए बना था, वो बना था बाघ के लिए, लेकिन हम लोग भी शेर हैं, इसलिए शेर सब फिल्मों में बड़ा मजा आता है सुन करके, है ना। शेर क्यों है हम लोग? शेर के परिवार में ज्यादा खतरनाक शेरनिया होती, इसलिए हम लोग भी शेर। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। पूरे भारत में मात्र 674 शेर बचा हुआ है। हमारे पास जो शेर है वो एशियाटिक लायन है, इंडिया में जितने शेर हैं उसमें से 90% एशियाटिक हैं और कुछ बाहर से जो मंगवाए गए हैं अफ्रीकन वो जू में रखे गए हैं। 5 में से अगर आप हमारे भरोसे बैठे रहेंगे तो हम शायद आपको 3 या 4 शेर दिखा पाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप 5 देखें, इसलिए सब लोग मिलके बाहर देखते चले। जंगल में देखिए परछाई में पैर चाट रही है, तो। और अगर एक और देखना है तो आपको वो टूटा हुआ ढेर सारा जो पेड़ है उसके नीचे देखना है, तो जाल जैसा बिखरा हुआ है, ढेर सारा टूटा हुआ लकड़ी दिख रहा होगा आपको, पेड़ टूटा हुआ उसके नीचे बैठा हुआ है, बढ़ा रहे धीरे धीरे, सबको नजर आ जाए। तीन है शायद वहाँ पे, दो एक साथ है टूटा हुआ पेड़ के नीचे और एक पीछे जो पैर चाट रही है, इसमें दोनों जो गर्दन उठाए हैं दोनों के दोनों फीमेल है और उसके पीछे जो सोया है वो मेल हमें दिख रहा है। ये दोनों निडर है प्लस कपल, जब भी होंगे यही दोनों होंगे रोड पे, हमेशा रोड पे दोनों कितना अच्छा से बैठा हुआ है, भाई भाई इधर देखो, देखिए
सर ताकत कितना रहता है भैया? बहुत ताकत होता है। भैया इसका नाक कहाँ है? क्या इसका नाखून? नाखून देखिए, नाखून ऐसे नहीं दिखाता है। नाखून के लिए आपको उसका कीमत चुकाना होगा। वो जब हमला करने का सोचेगा ना, जब किसी को मारने का सोचेगा, तभी अपना नाखून बाहर दिखाएगा। ऐसे फ्री में नहीं दिखाएगा। छुपा के रखते हैं। एक बार उठा के देखो ना। आप ही आ जाइए सर, महसूस भी कर लीजिएगा। अगर यहाँ आप लोग गलती से उतर जाए तो किससे बचना है आपको? अगर यहाँ उतर जाते हैं तो किससे बचना है दोनों में से? दोनों से बचना है। लेकिन ज्यादा खतरनाक शेरनी होती है। शेर आलसी होता है, वो पूरी तरह से अपने आप को शेरनी को ऊपर छोड़ दिया है। बाल है वो शेर है सर। अभी बच्चा है तो बाल थोड़ा कम है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है तो बाल आते जा रहे हैं। दोनों सेम उम्र का। इसमें भोला सबसे खतरनाक जानवर है। नाम का भोला है बस। अभी फिलहाल जहाँ तीन जानवर इस जंगल में है, उसमें से छबरी का लोकेशन मिला है। भोला और सुंदरी कहाँ आराम कर रहे हैं पता नहीं। ये भी 16 घंटा सोते हैं। और ये शेर और बाघ जैसे निडर जानवर नहीं होते कि बस के आसपास आएंगे। तो ऐसे में जब वो सो रहे होते हैं, सोने का जगह अपना एकदम दूर कोना में जाके कोई पेड़ के ऊपर या पेड़ के जड़ में छांव ढूंढने सो जाते हैं। थोड़ा मुश्किल होने वाला है, लेकिन ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने पे मिल जाता है। छबरी को भी देखना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा। ऐसा बताया गया है कि बहुत रेयर नजर आ रही है। थोड़ा ध्यान से देखते चलिए। जब ये जंगल में छांव में कहीं सो जाते हैं तो अंधेरे में ये पत्थर जैसे नजर आते हैं, क्योंकि काले रंग के होते हैं और गोल मटोल जानवर हैं। जब सो जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई पत्थर वहाँ पे पड़ा हुआ है। थोड़ा ऐसा कुछ डाउट हो तो जरूर बताइएगा, देखते चलिएगा बाकी आप लोग। जरा देख के बताइए, काला रंग है या कोई और रंग है? काला है। नहीं, लाइट ब्राउन है, हल्का भूरा रंग होता है। इसका मुंह कैसे दिख रहा है भैया? मुंह दिखाने के लिए कुछ खाना मिल रहा है इसको? क्या मिल रहा है वो दिखाई? सेल्फी लेता है। जबरी शर्मा रही है फिर। जबरी मान जाओ। बोला चींटी खा रही है, जैसा हम बताए थे जंगल में इसको चींटी मिल जाता है। अभी देख रहे हैं इसका जो लंबा सा थूथन होता है जिसमें नाक होता है, वो कहीं घुसा करके कुछ खींच रही है ऐसा लग रहा है। देख ये जो बड़ा सा हिरन दिख रहा है ना, जिसको आप नीलगाय समझ रहे हैं, ये सांबर डियर है। इंडिया में सबसे बड़ा और पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा हिरन है। शेर और बाघ का फेवरेट भोजन भी यही है। यहाँ पे है लेकिन फिलहाल इस जगह पे नहीं है। इस जंगल में है लेकिन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें टोटल दो तरह के हिरन नजर आ रहे हैं। एक स्पॉटेड डियर जो लेपर्ड और चीता का फेवरेट भोजन है, और एक सांबर जो शेर और बाघ का फेवरेट भोजन है। स्पॉटेड डियर राजगीर का जंगल में पहले सिर्फ पाए जाते थे, वो सारे हिरन है रेडिश ब्राउन कलर जिसपे सफेद धब्बे हैं। ये जो रेडिश ब्राउन कलर वाले हिरन होते हैं धब्बे वाले, ये पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत हिरन है। पूरी दुनिया के सबसे खूबसूरत हिरन, सबसे तेज रफ्तार और सबसे ऊंची छलांग उसी की है। स्पॉटेड वाले जिसको हिंदी में चीतल बोलते हैं, ये बार्किंग डियर है, तीसरा प्रजाति हमारे इस जू सफारी का सबसे खतरनाक हिरन। ये इंडिया का सबसे छोटा हिरन होता है बार्किंग डियर, जो समय आने पे खतरा महसूस करेगा तो कुत्ते की तरह भौंकेगा भी और कुत्ते की तरह काटता भी है। वो ओमनिवोरस हिरन था। ये सांबर का मेल था। हाँ तो दोस्तों, मैं बिहार हूँ की राजगीर की यात्रा आपको कैसी लगी, आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।